इस क्वेश्चन में कह रहा है थ्री अपॉन फोर की पावर जीरो की वैल्यू क्या आएगी हमने सीखा था किसी की भी पावर ज़ीरो है मैंने आपको बताया था ए की पावर जीरो है तो आंसर वन ही आएगा किसी की भी पावर ज़ीरो होती है तो वन ही आंसर आता है तो दैट्स वाई आर सी पार्ट इज आ करेक्ट आंसर डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ अब इस क्वेश्चन में कह रहा है माइनस थ्री अपॉन फोर की पावर माइनस थ्री कितना आएगा तो देखिए अगर माइनस थ्री अपॉन फोर की पावर माइनस थ्री है तो सबसे पहले हम पावर पॉजिटिव करते हैं तो कैसे करेंगे देखिए माइनस साइन अपनी जगह रहा डिनोमिनेटर वाली वैल्यू न्यूमरेटर में आ गई और न्यूमरेटर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में आ गई अब पावर पॉजिटिव हो गई अब जब माइनस की पावर ऑड टाइम्स तो माइनस जब और टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो माइनस ही आता है अब फोर की पावर थ्री का मतलब है फोर शीक्षीन, शीक्षीन, फोर ज़ा सिक्सटीन सिक्सटीन फोर ज़ा सिक्सटी फोर और थ्री की पावर थ्री का मतलब है थ्री थ्री ज़ा नाइन नाइन थ्री ज़ा ट्वेंटी सेवन तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आया डी पार्ट इज आर करेक्ट आंसर बुक में आंसर बी पार्ट दिया हुआ है ये गलत आंसर दिया हुआ है करेक्ट आंसर डी पार्ट है क्योंकि वैल्यू माइनस की ही आएगी क्योंकि माइनस की मल्टीप्लाई और टाइम्स हो रही है राइट लेट्स यू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ अब इस क्वेश्चन में कह रहा है माइनस फाइव पॉइंट थ्री की पावर माइनस वन कितना आएगा तो देखिए माइनस फाइव पॉइंट थ्री की पावर माइनस वन है तो हम पावर पॉजिटिव कर लेंगे कैसे माइनस साइन एज इट इज डिनोमिनेटर वाली वैल्यू न्यूमरेटर में आ गई और न्यूमरेटर वाली डिनोमिनेटर में चली गई की पावर वन और जिसकी भी पावर वन होती है तो वो एज इट इज़ लिखी जाती है वैल्यू तो माइनस थ्री अपॉन फाइव तो दैट्स वाई आर बी पार्ट इज आर करेक्ट आंसर यू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ अब इस क्वेश्चन में कह रहा है वन अपॉन थ्री की पावर माइनस थ्री माइनस वन अपॉन टू की पावर माइनस थ्री कितना आएगा तो देखिए क्वेश्चन लिख लेते हैं वन अपॉन थ्री की पावर माइनस थ्री माइनस वन अपॉन टू की पावर माइनस थ्री अब सबसे पहले पावर पॉजिटिव कर लेते हैं तो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू न्यूमरेटर में आ गई और न्यूमरेटर वाली डिनोमिनेटर में आ गई की पावर थ्री पॉजिटिव हो गई पावर इसी तरीके से टू अपॉइंट वन हो जाएगा की पावर थ्री अब इसको क्या लिख सकते हैं थ्री अपॉन वन को क्या लिख सकते हैं थ्री भी लिख सकते हैं तो थ्री की पावर थ्री माइनस टू अपॉन वन को भी टू लिख सकते हैं तो टू की पावर थ्री तो ये कितना आ गया थ्री की पावर थ्री का मतलब है थ्री थ्री इज नाइन नाइन थ्री इजा ट्वेंटी सेवन और टू की पावर थ्री का मतलब है टू टू ज फोर फोर टू ज़ा एट तो हमारा आंसर कितना आ गया नाइनटीन तो आर करेक्ट आंसर इज ए पार्ट इज आ करेक्ट आंसर लेट जू नेक्स्ट क्वेश्चन ना क्वेश्चन में कह रहा है माइनस टू अपॉन थ्री की पावर टेन डिवाइडेड बाय माइनस टू अपॉन थ्री की पावर एट कितना आएगा तो देखिए क्वेश्चन लिख लेते हैं माइनस टू अपॉन थ्री की पावर टेन डिवाइडेड बाय माइनस टू अपॉन थ्री की पावर एट अब देखिए बेस सेम है माइनस टू अपॉन थ्री राइट right? और डिवाइड का केस है तो जब भी डिवाइड का केस होता है और बेस सेम होते हैं तो माइनस टू अपॉन थ्री बेस सेम रहेगा लेकिन पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी डिवाइड से पहले वाली पावर में से डिवाइड के बाद वाली पावर माइनस कर देंगे तो ये कितना आ गया माइनस टू अपॉन थ्री एज इट इज और टेन में से एड गया इज टू तो अब देखिए माइनस साइन इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है अब टू की पावर टू दैट मीन्स टू टू ज फोर इसी तरीके से थ्री की पावर टू मतलब थ्री थ्री ज नाइन तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हुआ ए पार्ट इज अ करेक्ट आंसर लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ अब इस क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ़ द फॉलोइंग नंबर्स इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म अब ये बताना है इनमें से कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म में है हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आपने मेरे लास्ट के क्वेश्चन देखे होंगे तो उसमें मैंने आपको समझाया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म लेफ़्ट एंड साइड से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाया जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म में तो यहाँ देखिए यहाँ दो डिजिट के बाद पॉइंट है यहाँ थ्री डिजिट के बाद पॉइंट है लेकिन यहाँ पे वन डिजिट के बाद पॉइंट है तो हमें पता चल गया हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है सी पार्ट इज़ आर करेक्ट आंसर डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ